आज भोपाल के दशहरा मैदान में प्रदेश के मेरा समाज सम्मेलन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान साहब, राजस्थान से पधारे हमारे मीणा समाज के गौरव और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित लाला राम जी मीणा साहब, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्मानित श्री सूर्य प्रकाश जी, हमारे विधानसभा में परम आदरणीय विधायक सम्मानित श्री मेहरबान सिंह जी, विधायक बहन ममता मीणा जी, पूर्व विधायक सम्मानित श्री शिवनारायण जी, आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री परम सम्मानित पूज श्रीमती गोलमा देवी जी और उपस्थित सभी के नाम लेने में क्षमा चाहते हुए उपस्थित सम्मानित मंच और विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के आन बान और शान मीणा समाज के मेरे समाज परम सम्मानित मीणा समाज के बंधु उपस्थित मात्र शक्ति और बहन। सबसे पहले मैं सामने बैठे हुए प्रदेश के विभिन्न जिले से आए हुए सभी लोगों को, मीणा समाज के बंधुओं को, उनके चरणों में नमन करता हूँ, मात्र शक्ति को नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और एक बार सबसे अपेक्षा करूंगा कि भगवान मीनेश की बड़े जोरदार तरीके से जय बोले, भगवान मीनेश की, भगवान मीनेश की। दोस्तों, आज पूरे प्रदेश के मीणा समाज यहाँ एकत्रित है और मंच पर हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप और हम सब जानते हैं, मैं सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का एक एक मीणा कभी न कभी राजस्थान से माइग्रेट होके आया है, राजस्थान से उठ करके हम मध्य प्रदेश में आके बसे हैं। देश के किसी भी कोने का मीणा हो, उसकी असली मीणा की यही पहचान है कि वो राजस्थान से उठ करके आकर के कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर के बसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, आप और हम सब जानते हैं राजस्थान के मीणा और हमारी तरफ के रावत हो, मारन हो, देशवाली हो, सभी लोगों के रोटी और बेटी के संबंध है। मेरे स्वयं के गांव में राजस्थान की 20 बेटियां हैं, 20 से 50 तक बेटियां हैं, मेरी खुद की बेटी राजस्थान में है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान से आई हुई बेटी जिसे एससी का सर्टिफिकेट मिलता है, मध्य प्रदेश में ना वो ओबीसी में रहती ना एससी में रहती, सामान्य में उसको देखा जाता है, सामान्य में उसका व्यवहार किया जाता है। और मध्य प्रदेश की बेटी मीणा समाज की जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, राजस्थान में पहुंचने के बाद भी, एससी परिवार में पहुंचने के बाद भी एससी परिवार का लाभ नहीं ले पाती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। राजस्थान जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, राजस्थान की लेटोर और सिरोंज और लटेरी तहसील दोनों विदिशा जिले में मिली और लटेरी और सिरोंज तहसील में दोनों में लगातार हमारे मध्य प्रदेश के मीणा समाज को दोनों तहसीलों में आरक्षण लगातार मिलता रहा। उसका लाभ भी हमारे लोगों को मिला, हमारा समाज का भी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, हमारा समाज कर्मवीर समाज है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, अपनी रोजी रोटी अपने मेहनत करता है, कमाई करता है, खेती करता है, रात दिन मेहनत करने के बाद पेट भरता है। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारा पेट हमें खिलाने नहीं आती, हम अपनी मेहनत और मजदूरी करके पेट भरते और खाते हैं। कोई भी पार्टी हो, हमें बहुत समय हो गया झोली फैलाते फैलाते। मैं कहना चाहूंगा कि सिरोंज लटेरी का आरक्षण भी 2003 में समाप्त कर दिया गया, 2003 में सिरोंज लटेरी के साथ साथ दिल्ली का भी आरक्षण समाप्त किया गया था, लेकिन दिल्ली में तो राजस्थान के मीणा रहते हैं, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने और सभी लोगों ने दिल्ली में जाकर के लड़ाई लड़ी, तो दिल्ली का आरक्षण तो जस का तस रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग, हम लोग जग नहीं पाए, उठ नहीं पाए, अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं हो पाए, जो हमारा एक हक बनता था, सिरोंज लटेरी का भी आरक्षण 2003 में समाप्त हुआ। मैं संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा किसकी सरकार थी किसकी नहीं।
नहीं थी। मैं यह भी नहीं कुछ कहना चाहूंगा, कोई राजनीतिक पार्टी हमें नहीं खिला रही खाना, बल्कि हम 20 वर्ष से लगातार आरक्षण की मांग करते चले आ रहे हैं। 20 वर्ष से लगातार सभी सरकारों के सामने झोली फैलाते आ रहे हैं। दोस्तों, हमें भीख तो नहीं मिली, लेकिन हमारी झोली में पड़ा हुआ सिरोंज लटेरी का आरक्षण इन सरकारों ने हमसे छीन लिया। इन सरकारों के लिए जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप सख्ती से सामने नहीं आओगे, तब तक कोई भी सरकार आपको भीख डालने वाली नहीं है, कोई भी सरकार आपको देने वाली नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे दौरों में पिछड़े वर्ग के हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी हमारे समाज के सम्मेलन में आए थे, आश्वासन देकर के गए थे कि आपके समाज को मीणा समाज में सम्मिलित करवाने की कार्रवाई की जाएगी। अशासकीय संकल्प की बात करें, अशासकीय संकल्प में लगातार 1990 से 1990 से लगातार विधायक में लगातार मेरा संपर्क रहा है। दो बार अशासकीय संकल्प पारित हो चुका है। अशासकीय संकल्प पारित होने के बाद अशासकीय संकल्पों से आरक्षण नहीं मिलता। चार मैंने 2016 में मैंने स्वयं ने अशासकीय संकल्प लगाया और पारित कराया, आरक्षण मिलेगा सरकार की इच्छा शक्ति से, सरकार के संकल्प से। सरकार जब चाहेगी तब आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, आपको झलक भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा, मध्य प्रदेश का मीणा समाज 40 लाख समाज है। आप हिसाब लगा लो, दावे से कह सकता हूँ कि 80% मीणा समाज आपकी पार्टी के साथ है और आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ और आपके साथ है। बहुत हो गया शोषण, बहुत हो गई मांग, अब हमें अपना अधिकार चाहिए। मैं आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री, मैं एक निवेदन और करूंगा कि आपने हर बार 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और 5 वर्ष में चुनाव हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र लागू करती है। चुनावी घोषणा पत्र में जो जो बातें दी होती है उनके आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जनता वोट करती है। सरकार बनने के बाद सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन राय और चुनावी घोषणा पत्र की बातों पर अमल करे, क्रियान्वयन कराए और लागू कराए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये वर्ष 2013 का आपका चुनावी घोषणा पत्र है, वर्ष 2013 का। और मुझे ये भी मालूम है कि आप प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री हो जिन्होंने सदन में कहा था कि ये चुनावी घोषणा जनसंकल्प केवल मेरा चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, मैं इसे ले जा करके वल्लभ भवन में दूंगा, ये मेरे लिए गीता का पत्र है और इसका मैं पालन कराऊंगा। ये आपके ही शब्द थे, आपने विधानसभा में इस बात का घोषणा की थी और ये आपके 2013 का चुनावी घोषणा पत्र है। प्रश्न 27 पूरी कॉपी मेरे पास रखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, माझी पीर मीणा एवं अन्य जातियों को जो अनुसूचित में शामिल होना चाहती हैं, उनकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। दोस्तों, लेकिन आज तक नहीं भेजी है, टीआरआई की रिपोर्ट आज तक नहीं गई। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कभी आपके बीच में आके ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस से जुड़ो, मैं कांग्रेस से हूँ, 5 बार विधायक हूँ, पहली बार मीणा समाज से मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी में हो, किस पार्टी से जुड़ो। केवल एक बात जानता हूँ, केवल एक बात कहता हूँ कि मीणा समाज के हितों की जब बात आए, सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दो, समाज का हित सर्वोपरि है, समाज का हित सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप और आप मीणा समाज के सभी बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप पहले भी घोषणा कर चुके हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा, अब हमें घोषणा नहीं चाहिए, हमें क्रियान्वयन चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। घोषणा बहुत हो चुकी, चाहे वो कांग्रेस ने की चाहे बीजेपी ने की, लेकिन हमें परिणाम की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, इतना और निवेदन करता हूँ, चूंकि ये मंच हमारे पिछड़े वर्ग में भी बहुत से लोग आते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट आज भी गंजवासा लोग में नहीं बन रहे, आज भी मुंगावली में नहीं बन रहे, जबकि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं, इसको भी आप देखवाएं। और आपसे अनुरोध करता हूं बार बार कि आज इस मंच पर जो मीणा समाज का ही मंच नहीं, भाजपा का मंच दिख रहा है, 80% लोग आपके पास, इस पर परिणाम की घोषणा करके जाएंगे।
मैं आरक्षण दूंगा और नहीं दूंगा तो उसके बाद मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। अब की बात जय भगवान जय मीनेश बहुत बहुत।